पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग की केस लॉ डिस्कस करेंगे स्टैनली वर्सेस पावल का। ये बहुत ही फेमस केस लॉ है और ये टॉट का केस है, यानी कि ये एक जनरल डिफेंस का केस है जिसे हम इनएविटेबल एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। ये इनएविटेबल एक्सीडेंट का केस है। अब केस को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इनएविटेबल एक्सीडेंट क्या होता है। इनएविटेबल एक्सीडेंट ये होता है कि देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सीडेंट जैसे कुछ भी जो कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटली कोई चीज हो गई जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे और उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे रीजनेबल केयर लेने के बाद भी, ठीक है। ये जो डिफेंस होता है ऑब्वियसली डिफेंडेंट के लिए होता है कि डिफेंडेंट ने रीजनेबल केयर लिया उसके बाद भी वो एक्सीडेंट हो गया, तो क्या डिफेंडेंट उस एक्सीडेंट के लिए लाइबल होगा? नहीं, डिफेंडेंट उस एक्सीडेंट के लिए लाइबल नहीं होगा। तो वही चीज इस केस से निकल करके आई स्टैनली वर्सेस पावल में। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों लोग एक शूटिंग में गए होते हैं, शूटिंग पार्टी में गए होते हैं जिसमें कि पीजेंट शूटिंग की पार्टी चल रही होती है, ठीक है, पीजेंट शूटिंग की पार्टी चल रही होती है। पीजेंट कौन है? तो पीजेंट एक बर्ड होती है, ठीक है, शूटिंग पार्टी चल रही होती है। अब पावल क्या करते हैं? पावल एक गन शॉट करते हैं, ठीक है, शूट करते हैं। तो जब वो शूट करते हैं तो उनकी जो गोली है वो एक ओक ट्री से ग्लांस कर जाती है, ठीक है, ओक ट्री से ग्लांस कर जाती है, यानी कि ओक ट्री से टकरा करके वो स्टैनली को लग जाती है और स्टैनली इंजर्ड हो जाता है। मतलब किसी एंगल पर वो गोली लगी और वो इस तरीके से लगी ओक ट्री पर कि वो स्टैनली को लग गई। अब स्टैनली ने ऑब्वियसली सूट फाइल किया पावल के खिलाफ कि भाई इन्होंने मुझे इंजर्ड कर दिया। तो अब आपको क्या लगता है कि इस केस में क्या पावल जो हमारे डिफेंडेंट है वो लाइबल होंगे? तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा बिकॉज ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट था जिसे रीजनेबल केयर लेने के बाद भी कोई भी ह्यूमन अवॉइड नहीं कर सकता था, ठीक है। तो बस इतना ही था इस केस में। एक बार फिर से समझ लो कि दोनों जो हमारा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है वो जाते हैं पीजेंट शूटिंग पार्टी में। पीजेंट कौन है? पीजेंट एक बर्ड होती है, ठीक है। तो ये लोग शूटिंग पार्टी में जाते हैं, वहां पर पावल शूट करते हैं और वो शूट इस तरीके से गलती से हो जाता है कि वो ओक ट्री से जाकर के टकराता है और इस ऐसे एंगल से टकराता है कि वो जाकर के प्लेंटिफ को यानी कि स्टैनली को लग जाता है जिसकी वजह से वो इंजर हो जाते हैं। लेकिन डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल इन द केस बिकॉज ऑफ द डिफेंस इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये केस समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।